एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रोसेस रिएक्शंस। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद फुल सिटी कंपैरिजन, जो आई थिंक की वीडियो है 2020 की। सो एक तरफ है इंडिया की कैपिटल दिल्ली और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। तो देखते हैं कि इस वीडियो में किस बेसिस पर कंपैरिजन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आपके डिमांड पर हम आज इस्लामाबाद वर्सेस दिल्ली का कंपैरिजन का वीडियो लाए हैं। पिछले वीडियो मुंबई वर्सेस कराची में आपका जबरदस्त रिस्पांस देने के लिए शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोनों शहर अपने अपने देशों की राजधानी है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम पूरे दिल्ली शहर की बात करेंगे, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट है। आपको थोड़ा इन दोनों शहरों की हिस्ट्री बताते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को एक मजबूत राजधानी की तलब थी। खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को पाकिस्तान की राजधानी घोषित की थी, लेकिन लोकेशन और बिजनेस सिटी होने के चलते पाकिस्तान की राजधानी बदलकर रावलपिंडी कर दी गई। और बाद में 14 अगस्त 1967 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी घोषित की गई। अच्छा। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करें तो आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगलों से लेकर ब्रिटिश राज तक दिल्ली का एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। 1911 से ब्रिटिश ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की थी, जो कि आज़ादी से अब तक चल रही है। दोस्तों, जीडीपी की बात करें तो इस्लामाबाद की जीडीपी 10 बिलियन डॉलर है, वहीं दिल्ली की जीडीपी 305 बिलियन डॉलर है। पॉपुलेशन की बात करें तो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन 1.152 मिलियन है, वहीं दिल्ली की पॉपुलेशन 19 मिलियन है। एरिया की बात करें तो इस्लामाबाद का एरिया 906.5 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं दिल्ली का एरिया 1484 किलोमीटर स्क्वायर है। रिलीजन की बात करें तो इस्लामाबाद में 95.53% मुस्लिम, 4.07% क्रिश्चियन, 0.02% हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो 80% हिंदू, 12.86% मुस्लिम, 3.77% सिख, 1% जैन, 1% क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। चलिए दोस्तों कुछ खाने पीने की बात करते हैं। दिल्ली में औसतन एक वक्त का खाना 140 रुपए का मिलता है, वहीं इस्लामाबाद में एक वक्त का खाना 165 भारतीय रुपए में मिलता है। एक लीटर की मिनरल वाटर बॉटल औसतन दिल्ली में 20 रुपए की मिलती है, वहीं इस्लामाबाद में 23 भारतीय रुपए में मिलती है। टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर का दिल्ली में 12 रुपए है, वहीं इस्लामाबाद में 20 भारतीय रुपए है। एक अच्छे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की नॉर्मल टिकट औसतन दिल्ली में 300 रुपए तक मिलती है, वहीं इस्लामाबाद में 320 भारतीय रुपए में मिलती है। एक नॉर्मल रूम का सिटी के सेंटर में एक मंथ का किराया औसतन दिल्ली में 16,000 रुपए होता है, वहीं इस्लामाबाद में 10,000 भारतीय रुपए होता है। अगर आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो दोस्तों ये रेट्स भी जान लो। सिटी के सेंटर में औसतन दिल्ली में रेट 3 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर है, वहीं इस्लामाबाद में 60,000 भारतीय रुपए पर स्क्वायर मीटर है। काफी कम है। टैक्स के बाद औसतन एक व्यक्ति की सैलरी दिल्ली में 41,000 रुपए है, वहीं इस्लामाबाद में 18,000 भारतीय रुपए है। दोस्तों, एयरपोर्ट्स की बात करें तो इस्लामाबाद का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2017 से 2018 में 4.7 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, जबकि एयरपोर्ट की कैपेसिटी 15 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 2017 से 2018 में 65.7 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था, जिसके चलते न केवल भारत का बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बना था। वहीं एक प्रोजेक्ट के तहत 100 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर कैपेसिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद से रावलपिंडी मेट्रो बस को बहुत अच्छा और आला किस्म का माना जाता है। इस रूट में 24 बस स्टेशन है और सभी बेहद खूबसूरत तरीके के है। इस सर्विस को सबसे भरोसेमंद सर्विस मानी जाती है। स्टूडेंट से लेकर ऑफिस वर्कर तक हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इस्लामाबाद में शहर में ट्रैवल करने के लिए न कोई मेट्रो ट्रेन है और न कोई लोकल ट्रेन।
अच्छा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मेट्रो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है। तो हमारे घर के बाहर यहाँ मेट्रो में प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं। हाँ। वहीं बसेस भी इतनी ही चलती है। दोस्तों अब थोड़ा घूमने फिरने की बात करते हैं। इस्लामाबाद में आप फैसल मस्जिद, मरगल्ला हिल्स, पीर सोहावा, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, बारी इमाम दरगाह, पार्लियामेंट हाउस, दामनिक को, इस्लामाबाद जू, सईदपुर विलेज, लोक विरसा म्यूजियम, रावल लेक जा सकते हैं। वहीं दिल्ली में रेड फोर्ट, इंडिया गेट, राजघाट, सब जगह जा चुके हैं। राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, हुमायूं टॉम, चांदनी चौक, लोटस टेम्पल, बंगला साहिब गुरुद्वारा, अक्षरधाम टेम्पल, अग्रसेन की बावली, हजरत निजामुद्दीन दरगाह, हौस खास जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सी राजधानी अच्छी लगी, दिल्ली या इस्लामाबाद, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप और भी इंडिया और पाकिस्तान की किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मतलब छोटा कंपैरिजन था और छोटे कंपैरिजन में उन्होंने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर दी कि अगर आपको जीके भी चाहिए तो जीके भी कवर हो गया, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, घूमने फिरने की जगह है, सब उन्होंने कवर किया है। काफी इंटरेस्टिंग वे में बताया है इन्होंने कि देखने में भी इतना बोरिंग नहीं लगा, वरना अगर कोई देखने बैठे और ऐसी सारी वीडियोस तो मतलब मॉन्यूमेंट्स अलग, खाना अलग, कितना कॉस्ट है, लेकिन कितना खाने को इन्होंने थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन जैसे नहीं करा। जैसे हम लोगों का शौक है खाने को देखने का, हमें लगा था शायद खाने का अलग से कुछ दिखाएंगे कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, अलग वीडियो बनाएंगे बिल्कुल, क्योंकि मुझे देखना है कि पाकिस्तान में किस तरह का स्ट्रीट फूड मिलता है, क्या क्या वहाँ पर फेमस है। मेरे मुँह में तो अभी से पानी, दिल्ली का तो हमें सभी पता है कि यहाँ पे जामा मस्जिद में क्या क्या मिलता है और लाजपत नगर सरोजनी साइड में क्या मिलता है, लेकिन हमें पाकिस्तान का देखना है, इस्लामाबाद का, कराची का स्ट्रीट फूड। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस पर बनाने वाले हैं। बात करें अगर इस वीडियो की, बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा पॉपुलेशन में तो है ही, पॉपुलेशन में भी है, साथ ही साथ मुझे जो एरिया है, हाँ, इस्लामाबाद का एरिया वहाँ की पॉपुलेशन के लिहाज से ठीक है, बट दिल्ली का एरिया पॉपुलेशन के लिहाज से काफी छोटा है, काफी छोटा है, यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और एरिया उतना ज्यादा। यहाँ पे घर ऐसे हैं, एक बिल्डिंग अगर ऐसे है तो दूसरी बिल्डिंग उसके इतने पास है कि आप हाथ बढ़ा के खाना एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, घर इतने ज्यादा कंजेस्टेड बने हुए हर जगह पे, ज्यादातर जो कॉलोनीज मतलब वैसे प्रॉपर बनी हुई नहीं है, ज्यादातर घर ऐसे है यहाँ पे के बहुत करीब करीब है। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।